धनबाद के एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाली युवती ने अपने पड़ोसी मनईटांड निवासी रोहित सिंह पर बार बार छेड़खानी एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर भाई को झूठे केस में फंसाने की बात कहते हुए उसकी शिकायत धनबाद सिटी एसपी से की है। गुरुवार को सिटी एसपी से मिलकर उसने मामले की लिखित शिकायत की और बताया कि इससे पहले भी एक माह पूर्व उसके साथ छेड़खानी एवं मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद थाने से बॉन्ड भरकर आरोपी छूट गया था। पिछले दिनों जब उसका भाई आरोपी के पिता को समझाने गया था कि उसकी बहन के साथ छेड़खानी व मारपीट की घटना को अंजाम ना दे, तभी उसके भाई के साथ मारपीट की गई और उल्टे उसे झूठे केस में फंसा दिया गया। आज उसने सिटी एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और उसे आश्वासन मिला है कि आरोपी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। 25 तारीख को घुस के रोहित सिंह और उसके पापा चाचा लोग सब बदमाशी के, रोहित सिंह घुस के किया था और उसके बिहाफ पे मेरे भैया बोलने गए। 4 तारीख को जब भैया आए तो उसके घर पे जाके बोलने गए तो सब कोई उसके चाचा पापा लोग मिलके उन लोगों को मारे, उल्टा केस उन पे कर दिए हाफ मर्डर का। उसी के लिए हम लोग FIR किए, FIR वाला थाना बोला FIR पेपर नहीं देंगे और फिर हम लोग SSP सर के पास आए, उनके पास ये आवेदन पत्र लिए। रोहित सिंह मनईटांड में रहते हैं, मनु सिंह अभिमन्यु सिंह का बेटा है। 25 तारीख को और 6 तारीख को ये घटना, बॉन्ड बना था दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन फिर 6 तारीख को ऐसा हुआ। बॉन्ड बना था 26 तारीख। वहीं सिटी एसपी आर राम कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत सुन ली गई है, उसे लिखित आवेदन देने को कहा गया है, उसके आवेदन के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी और उसमें जांच करेंगे और उसके बाद कानूनी कार्रवाई। ठीक है, हमको आवेदन दिया है, ठीक है, उसको क्या है पूरा जांच करके हम उसको कानूनी कार्रवाई। थैंक यू सर।